हेलो दोस्तों, कैपे साइड में आप सबको स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज फिर आप लोग ले लेकर नई कैंपस प्लस वन का वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं जो कंपनी कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है, दोस्तों एक कंपनी कैंपस प्लस नहीं लगाने के लिए जा रही है। इसमें दो दो कंपनी मिलकर कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है। दोस्तों दोनों बहुत ही बड़ी कंपनी है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं दोनों कंपनी का नाम जो है MRF टायर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और जो सूजी मोटर इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये दोनों कंपनी मिलकर कैंपस प्लस लगाने के लिए जा रही है। दोस्तों ये दोनों कंपनी जो है गुजरात में है। दोस्तों तो वहीं पर आप लोगों को जॉब लोकेशन दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कैंपस प्लेसमेंट टू कैंपस यहाँ पर लगाने के लिए जा रही है टू कंपनियों का। इसमें 10th 12th और IT पास आउट बच्चे भाग ले सकते हैं। दोस्तों तो बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों 10th 12th IT वालों के लिए कि आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है MRF टायर और सुजुकी मोटर में। दोस्तों मैं एक बात बता दूं, इसमें जो MRF टायर में आपको परमानेंट जॉब दिया जाएगा और जो है सुजुकी मोटर में आपको परमानेंट जॉब नहीं दिया जाएगा। उसमें जो आपको 7 मंथ के लिए लिया जाता है, उसमें 7 मंथ आपको काम करवाया जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपको फिर वापस घर भेज दिया जाता है। आप अगर कंपनी में अच्छे से काम करते हैं दोस्तों और अगर सुपरवाइजर से अच्छे से मेलजोल बनाए रखते हैं, किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करते हैं, तो फिर आपको दोबारा जो है सुजुकी मोटर में बुलाया जाता है। दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में जो सैलरी दिया जाएगा वो सैलरी भी दिया गया है। जो MRF में जो सैलरी दिया जाएगा वो 11,350 रुपया दिया जाएगा। इसमें OT भी चलता है दोस्तों। और जो आपको सुजुकी मोटर में दिया जाएगा वो 20,100 रुपया दिया जाएगा। इसी में से आपका CTC वगैरह काटा जाएगा। दोस्तों फैसिलिटी दोनों में सेम है दोस्तों। कैंटीन बस PFS है, जो भी फैसिलिटी होता है सारे फैसिलिटी आपको कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ जो है रूम अपने से लेना पड़ेगा, बाकी और कुछ भी लेने का जरूरत नहीं है दोस्तों। तो चलो दोस्तों इसमें और क्या चाहिए नीचे सारा कुछ मैं इसका ऑपरेशन ऑर्डर भेजा पूरे डिटेल्स में बताने वाला दोस्तों। तो आप लोग शुरू से एंड दोस्तों इस वीडियो में रहे तभी आप लोग समझ में आएगा। और उससे पहले दोस्तों अगर मैं चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन करके रखिए ताकि ऑल इंडिया कैंपस प्लेसमेंट की जानकारी जाती है और इसमें जितनी भी जानकारी होती है सारी जानकारी चैनल पर आप लोग दी जाती है। चलो दोस्तों अभी चलते हैं दोनों कंपनी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं दोनों बड़े कंपनी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पा चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते कंपनी नाम दिया गया, जो पहला कंपनी है सुजुकी मोटर इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और दूसरी जो कंपनी है MRF टायर कंपनी। दोस्तों तो दोनों ही बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। दोनों कंपनी मिलकर कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही है दोस्तों। तो चलिए हम लोग नीचे की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें दोस्तों सुजुकी मोटर में जॉब को फैसिलिटी दिया जा रहा है, क्या क्वालिफिकेशन रखा गया, सारा कुछ दिया हुआ दोस्तों। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है वो 10+ IT पास आउट बच्चे को लिया जाएगा, चाहे आप NCVT से किए SCVT से किए दोस्तों आपको लिया जाएगा, चाहे आप गवर्नमेंट IT से किए या प्राइवेट IT से किए आपको इसमें लिया जाएगा। और भी आपका 10 में 55% नंबर होना चाहिए और IT में आपको 60% नंबर होना चाहिए तभी आपको इसमें लिया जाएगा दोस्तों, नहीं तो इसमें आपको नहीं लिया जाएगा। इसमें पहले 10 में 50% था लेकिन अभी 55% कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे जो IT ट्रेड दिया गया देख सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, टर्नर, मोटर मैकेनिक, वेल्डर, पेंटर, जनरल टूल एंड डाई मेकर, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, COE, डीजल मैकेनिक, ये सब ट्रेड दिया गया दोस्तों। तो जिनका जिनका ट्रेड है वही कवर भाग ले सकते हैं। तो आप लोग अपना अपना ट्रेड देख लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद कैंपस प्लस में जाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पासिंग आउट भी दिया गया 2017 to 2021 दिया गया, जो 2017, 2018, 2019 और 2020, 2021 में पास किए वही बच्चे कवर भाग ले सकते हैं, अदर कैंडिडेट नहीं ले सकते हैं। तो आप लोग अपना पासिंग आउट भी देख लीजिएगा। और जो एज लिमिट यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं 18 to 23 years दिया गया, जिनका 18 से 23 वर्ष तक है वही केवल भाग ले सकते हैं। ना आपका 18 से कम होना चाहिए, ना 23 वर्ष से ज्यादा होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपको इसमें नहीं लिया जाएगा। टोटल अब वैकेंसी की बात करें तो 500 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली है, 500 लड़के इसमें लिए जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा पोस्ट पे वैकेंसी निकाले दोस्तों, बहुत ही ज्यादा लड़के इसमें लिया जा रहा है। और सैलरी इसमें जो आपको दिया जाएगा 20,100 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा दोस्तों, जो इसी में से आपका CTC वगैरह काटा जाता है, जो काट कूट के आपको लगभग 15,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है दोस्तों। इसके अंदर जो MRF टायर लिमिटेड में जो फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है, जो क्वालिफिकेशन लिया गया देख सकते हैं, वो 10th 12th पास आउट बच्चे भाग ले सकते हैं, जो 10th पास किए 12th पास किए आप भाग ले सकते हैं दोस्तों। वो भी आपका 10th में 40% नंबर होना चाहिए प्लस IT होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं 40% जो 10th में और 40% 12th पास आउट बच्चे भी भाग ले सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। इसमें IT वाले बच्चे भी भाग ले सकते हैं MRF टायर लिमिटेड में, और 10th 12th वाले भी भाग ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, जिसके ऊपर 10th में आपका 40% नंबर होना चाहिए और प्लस IT पास आउट भी होना चाहिए। और यहाँ नीचे दिया गया 40% 10th में और 40% 12th में, तो आप भाग ले सकते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों परसेंटेज कम रखा गया आप लोगों के लिए अच्छा है। और जो एज लिमिट रखा गया 18 to 25 years रखा गया, जिनका 18 से 25 साल तक है वही भाग ले सकते हैं, ना ही आपका 18 से कम होना चाहिए, नहीं 25 साल से ज्यादा होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आपको इसमें नहीं लिया जाएगा। इसमें जो आपको सैलरी दिया जाएगा वो 11,350 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा दोस्तों, जो बहुत ही अच्छा आपको इसमें सैलरी दिया जा रहा है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा, अपडेट रिज्यूम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का मार्कशीट, IT का मार्कशीट, बैंक का पासबुक, फोटो 4 कॉपी कलर वाला, इन सब डॉक्यूमेंट का तो जेरोक्स कॉपी साथ में आप लेके जाएगा दोस्तों। उसके साथ जो है आप COVID-19 का वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी लेके जाएगा, क्योंकि मार्च सूची में आपका कंपलसरी जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट वहाँ पर लिया जाएगा दोस्तों। आप अगर उसको लेकर नहीं जाते हैं तो आपको वहाँ पर नहीं लिया जाएगा, क्लियर में बता देता हूँ पहले ही।
और यहाँ पे देख सकते हैं जो डेट ऑफ कैंपस प्रवेशन रखा गया है 11 मई 2022 को कैंपस प्रवेशन लगाने के लिए जा रही है, तो 11 तारीख को कैंपस प्रवेशन लगाने के लिए जा रही है। 11 तारीख को आप लोगों को जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है यहाँ पे देख सकते हैं, सुबह 9:30 बजे आप लोगों को जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो कैंपस वेन्यू दिया गया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो गोरेरा नवागम रोड ओप्पो 3G पेट्रोल पंप देख सकते हैं घरीधर यहाँ पे 36450 गुजरात में कैंपस प्रवेशन लगाने के लिए जा रही है। तो आप लोग वहीं पे जाना पड़ेगा दोस्तों 11 मई 2022 सुबह 9:30 बजे दोस्तों आप लोग वहाँ पर चले जाए। बहुत ही अच्छा दोस्तों इस कैंपस प्रवेशन में भाग लीजिए। और दोस्तों वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।